खामोशिया बेचैनिया नादानिया उठाइए। उठाना ही था तो फिर फेंका क्यों? आपके लिए। मेरे लिए? स्वीट हार्ट ओनली फॉर यू। नाइन जीरो जीरो फोर फाइव डबल जीरो फाइव वन फाइव। इसमें क्या तुम्हारी उम्र लिखी है? नहीं नहीं, अपना फोन नंबर लिखा है। तो इसका मैं क्या करूं? रात को बचा फोन करना 12 बजे के बाद। और वो किस खुशी में? इतना खूबसूरत हैंडसम नौजवान तुम्हें बिन मांगे अपना फोन नंबर दे रहा है, इस खुशी में दिमाग खराब हो गया है क्या? सठिया गया है क्या बुढ़े? बुढ़े 4 पैसे की विक पहन के अपने आप को अक्षय खन्ना समझ रहा है? एक थप्पड़ मारूंगी ना जोर से तो सारे के सारे दांत बाहर निकल के डांस करने लगेंगे। डार्लिंग, अकेले डांस करने का क्या मजा, तुम भी साथ में होती तो डांस करते। ना, अपना नाम मत बताना। पर वो क्यों? क्योंकि आपका नाम आपकी आंखों में साफ लिखा है, शर्मिला। शर्मिला? पर मेरा नाम तो शर्मिला नहीं है। वही तो, आपकी आंखों में लिखा है कि आपका नाम शर्मिला नहीं हो सकता। चांदनी है। यानी मैं बिल्कुल सही था, आपका नाम चांदनी है ना? मेरा नाम चांदनी नहीं, खुशबू है। खुशबू? खुशबू तो चांदनी से भी खूबसूरत नाम है। इतना सुंदर नाम है आपका। अच्छा हुआ जो आपने अपना नाम चांदनी नहीं रखा, वरना हम दोनों भाइयों की भाभियों का नाम एक जैसा हो जाता। कितना चीप आदमी है। Really? आपने मेरी तारीफ की क्या? What is that? नहीं। आइए ना, आइए, घर में कोई नहीं है। आओ खुशबू, अपनी खुशबू से इस पूरे घर को महका दो। चांदनी का है? वो आपको लेने एयरपोर्ट गई है। चलो ना, हम भी एयरपोर्ट चलते हैं। वहां सरदार जी के ठेले पे ना गन्ने का जूस मिलता है कमाल का। क्या? अरे हाँ, 7.5 रुपए में एक ग्लास। अब बताओ खुशबू। चांदनी, हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ यार। अरे हम तुम्हें लेने एयरपोर्ट चले गए और तुम यहाँ आ गई। Anyway, ये है मेरे पति नंदू। हाय। हाय हाय हाय। हो गया। भाई मुंह तो बंद कर लो। Anyway, खुशबू तुम आराम से बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं यार, कॉफी वॉफी छोड़, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे शावर लेना। अच्छा तो सामने बाथरूम का दरवाजा है, जाओ। या जाओ पप्पू, देखो। थैंक यू भाभी। अबे घटिया आदमी, बाहर का दरवाजा देख, अंदर का नहीं, समझा? चल जा। जेलस? अंदर का तो मैं देखूंगा। चांदनी, तुम्हारी सहेली को मैं कहीं घुमाने नहीं ले जाऊंगा, अच्छी तरह से ये बात तुम समझ लो बस। नंदू। चांदनी, टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूँ। और तुम जानती हो ना, मैं यहाँ वहाँ घूम फिर के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं बस। ऐसा क्या? हाँ ठीक है, मैं फिर पप्पू को कह दूंगी। तुम्हारे ना बस यही बात मुझे अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात का बुरा मान जाती हो। है? कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा उसे घुमाने, ठीक है? आप खुश? ओके। सोएगी कहाँ वो? हमारे बेडरूम में। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। और नंदू, बस 2-3 दिन की तो बात है। और तुम कहाँ सोगी? What is that? मैं हमारे बेडरूम में सोऊंगी और तुम हॉल में सोओगे। ठीक है, उसे बुरा तो नहीं लगेगा। What is that? What is that? Thank you.
तुम्हें भी मेरे बगैर नींद नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आ रही थी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती है? मैं तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही समझ गया था कि तुम बड़ी फिल्मी टाइप लड़की हो, और मुझ जैसे हैंडसम नौजवान को देखते ही पहली नजर में फिदा हो जाओगी। अरे क्या हुआ, शर्मा गई ना? मैं भी पप्पू, तेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई रे। अच्छा सुनो, कल रात जो तुम कह रही थी वो दिल से कह रही थी ना? मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारे इस अफेयर के बारे में ना भाभी को ना पता चले, वरना क्या है ना, हमारे प्यार को नजर लग सकती है। और सुनो, शाम को छत पे मिलने जरूर आना, साथ में कबूतर उड़ाएंगे। आई लव यू टू। खुशबू, ये तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। वेलकम। वाओ, क्या सीन है। इसे कहते हैं रोमांस। यार चंदू, जाके सो ना रूम में, तुम ना टीवी नहीं देखने दोगी मुझे। जाओ जाओ सो। तुम्हारे अंदर से आज अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही हैं चंदू? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो खुशबू, ऐसा मत बोलो। यू नो मैं जानता हूं मैं हैंडसम हूं, नौजवान हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि मेरी बीवी मेरे लायक नहीं है। आई नो, लेकिन क्या मेरी बीवी को एक हैंडसम और नौजवान की पत्नी बनने का हक नहीं है? क्या उसे उसे ऐसी जिंदगी जीने का हक नहीं है? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, तुम्हें भी एक हैंडसम और नौजवान इंसान को पाने का हक है। really? क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियों को मुझ जैसा हैंडसम कहाँ मिलता है, है ना खुशबू? ठीक है, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी अपने तरफ से बोल ही देता हूं, आई लव यू टू ओनली। I love you, खुशबू। अब तो खुश? बोलो ना, बोलो तो। शर्म आ गई पगली। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। आहा, ये क्या है? कॉफी है? मैं कॉफी नहीं, तेरे पति के बारे में बात कर। अच्छा नंदू, वो कॉफी नहीं पीता। तेरा पति बहुत स्वीट और इनोसेंट है ना? रियली? देखा देखा, यकीन आ गया ना मेरे पति पर? दोनों के दोनों भाई एक नंबर के छोरे हैं। सिर्फ पप्पू है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। नहीं खुशबू, नंदू पापा पे गया है और पप्पू नंदू पे गया है, दोनों एक जैसे कैसे हुए? हाँ बता मुझे। नहीं मान,
तू देख लेना। पगली कहेगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।